अनियमित कर्मचारी महासंघ 3 दिन तक करने वाला था प्रदर्शन, नहीं मिली अनुमति। उद्धव ठाकरे के निशान छीनने के बाद सिंधे गुट की नजर अब शिवसेना भवन और सामना के मालिकाना हक पर। नेशनल हाईवे पर फोर लेन निर्माण की लेट लतीफी पड़ रही भारी, 10 साल बाद भी चल रहा काम। बरेली के भोजीपुरा से 29,60,000 के नकली नोट बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पवन खेड़ा ने मांगी माफी, उम्मीद है ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीएम हेमंता। G20 की बैठक में कोरोना के दुष्परिणामों पर बोले पीएम मोदी, भारतीय उपभोक्ता और निर्माताओं को बताया आशावादी। पूल गेम हारने पर उड़ा मजाक तो आपा खो बैठे खिलाड़ी, अंधाधुंध फायरिंग कर 7 को उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में होंगे महत्वपूर्ण फैसले। स्टीयरिंग कमेटी के चुनाव के पहले एपी को झटका, पार्षद पवन सहरावत भाजपा में शामिल। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।